नमस्ते, हमारे चैनल इवॉल्व फन में आपका स्वागत है। वैसे तो आप पहले से ही हास्य अभिनेता कपिल शर्मा को जानते ही हैं। यह कहानी एक ट्रिब्यूट है ग्रेट कॉमेडियन कपिल शर्मा के लिए। आज हम इस वीडियो में कपिल शर्मा के लाइफ से जुड़ी 10 लम्हे के बारे में बात करेंगे। नंबर एक, कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर पंजाब में हुआ। कपिल शर्मा के पिता कपिल को टोनी कह के पुकारते थे। इस तस्वीर में कपिल अपनी माता जनक रानी के साथ हैं। नंबर दो, कपिल एक पीसीओ और एक कपड़ा मिल में काम करते थे और उन्होंने पैसा कमाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के बक्से को डिलीवर करना पड़ता था। नंबर तीन, सफलता हासिल करने से पहले कपिल शर्मा थिएटर करते थे जहां उन्होंने 12 साल गुजारे। नंबर चार, कपिल शर्मा पहली बार एक गायक ना कि एक हास्य अभिनेता बनने के लिए एक सपने के साथ मुंबई में आए थे। नंबर पाँच, कपिल शर्मा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले दौर स्पष्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन वह एक वाइल्ड कार्ड के रूप में लौट आए और शो को जीत लिया। नंबर छह, अपने ही शो के अलावा कपिल शर्मा एक कॉमेडी शो जूही परमार के साथ, छोटे मियां और मनीष पॉल के साथ सीजन 6 झलक दिखला जा की मेजबानी की। नंबर सात, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के अलावा कपिल शर्मा ने कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार कॉमेडी सर्कस का जादू जीता है और कृष्णा सुदेश के साथ जुबली कॉमेडी सर्कस के सह विजेता रहे। नंबर आठ, कपिल शर्मा ने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस ओपन किया जिसका नाम के नाइन प्रोडक्शंस है और अपने शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का प्रोडक्शन किया। नंबर नौ, 2013 में कपिल फोर्ब्स इंडिया पत्रिका में शीर्ष 100 हस्तियों के बीच में चुने गए थे। नंबर 10, कपिल शर्मा मनोरंजन उद्योग में एक प्रभावशाली आंकड़ा होने के साथ वर्ष 2013 में इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। बस हमारी एक ही विश है, कपिल शर्मा हमें ऐसे ही हंसा दे रहे। आप सभी को क्रिसमस की बधाइयां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आप चैनल की नई वीडियो मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद।